नमस्कार साथियों, मैं रोहित परमार चंबल प्रवाह न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंबल प्रवाह न्यूज। मित्रों, देश विदेश और अपने क्षेत्र की खबर सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर चंबल प्रवाह न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और पाएं हर अपडेट सबसे पहले। यदि आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अब बढ़ते हैं खबरों। बाड़ी धौलपुर से बड़ी खबर आई सामने। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बढ़ा रहे हैं बीजेपी से नजदीकियां। मलिंगा ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। मित्रों, लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मोदी के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए सरकार बनती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को एक और बड़ी हार मिल सकती है। इस कांग्रेस सहित अन्य विपक्ष पार्टियां अपने नेताओं और विधायकों को भी पार्टी में रोक नहीं पा रही है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का भाजपा में शामिल होना लोकसभा चुनाव के बाद भी जारी है, क्योंकि डूबते जहाज की सवारी कोई नहीं करना चाहता, सब सत्ता की ओर गमन करते हैं। इसी क्रम में आज बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की नजदीकियां भाजपा से बढ़ती दिख रही हैं। मलिंगा आज भाजपा के बड़े नेता एवं मोदी के करीबी जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करने पहुंचे हैं। दोनों की बैठक शेखावत के दिल्ली आवास पर चल रही है। मीडिया सूत्रों के अनुसार दोनों लोकसभा चुनाव के बाद संभावित परिस्थितियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह मलिंगा 2008 में पहली बार बसपा की टिकट पर बाड़ी से विधायक बने। 2008 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से दो सीट दूर थी, तब मलिंगा ने कांग्रेस को समर्थन देकर पूरे 5 साल गहलोत सरकार चलवाई, जिसके बदले मलिंगा को गहलोत सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। मलिंगा ने 2013 में कांग्रेस ज्वाइन कर बाड़ी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और मोदी लहर के बावजूद जीत दर्ज की। 2018 चुनावों में मलिंगा तीसरी बार बाड़ी से विधायक बने हैं, लेकिन मलिंगा को मंत्री पद नहीं दिया गया। इस बात से मलिंगा कांग्रेस से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।